की सबको शुभकामना, आप सारे दुनिया बंधु को और जो भी आप लोग मेरे चैनल के जरिए देख रहे हैं उन सबको शुभकामना। फिल्म जो है ये टोटली एक्शन थ्रिलर फिल्म है ओमकारा। इवन आपने बॉलीवुड में जो देखा होगा उसका कोई अंश तो नहीं होगा, एक नया प्रेजेंटेशन होगा। टाइटल जरूर हम लोग वहाँ से अडॉप्ट किए हैं जो बॉलीवुड में आ चुकी है, जयदेवगन सर की। और उसमें आपको सेंट्रल रोल में जी की पसंदीदा एक्टर जो अभी उमर सिन्हा, उन्होंने कंप्लीट किया, प्रिंस जी देखने को मिलेंगे आपको। सुजीत जी का जो रोल है उनका एक बाहुबली के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है भोजपुरी रोल को लेकर, जैसे उनका बॉडी है, जैसा हाइट है, जैसा फिजिक्स है, उसके हिसाब से ही स्क्रिप्ट को प्लान करना होता है। और एक्शन ओरिएंटेड फिल्में आजकल काफ़ी चर्चे में हैं, बाहुबली को देख लीजिए, वार इवन अभी रिलीज हुई है। और मेरा अपना भी एक जो फेवरेट जॉनर जो है वो एक्शन ही है, तो मैं एक्शन ज़्यादा प्रिफर करता हूँ लिखना। इसकी कहानी सिटी के इर्द गिर्द घूम रही है, ग्रामीण इलाकों को? हाँ, इसकी कहानी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से लेकर लखनऊ तक आएगी। तैयारी बहुत अच्छी है इसकी, और इसमें प्रिंस भैया के दोस्त का किया मतलब किरदार निभा रहे हैं, और पहले भी हमारी मूवी क्रिक फाइटर आ चुकी है पवन भैया के साथ। तो हमको अभी सब लोगों से सीखना है, सुजीत भैया हमको अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं, बाकी प्रिंस भाई बहुत अच्छे मतलब मानते हैं, सबका आशीर्वाद रहता है। तो एक बहुत ही अच्छी मूवी बन रही है ओमकार, जिसमें मैं भैया का दोस्त का किरदार निभा रहा हूँ। तो कितना टफ होता है आपके लिए मतलब एक नए को मतलब उसमें काम करना, क्या तकलीफ पहले जो सोचते थे अब कर रहे हैं काम, तो कितना नक्सली हो रहे हैं? हाँ, ये बहुत हैप्पी हो रही है, बट बहुत तकलीफ होती है। एक नए लड़के को, एक गांव से लड़के जो आते हैं उनको यहाँ पे आने में बहुत तकलीफ होती है। अच्छा सर, आप सर क्या कहेंगे इसके? सब लोग को आप लोग आए सब लोग, और बहुत एक्शन मूवी है, सुजीत सर के साथ मैं पहले भी काम किया हूँ। अपने रोल के बारे में बताइए, कैसा रोल है? मेरा रोल नहीं, मैं एक्शन डायरेक्टर हूँ। क्या क्या करने वाले हैं सर? किस तरह का एक्शन देंगे? एक्शन इसमें अच्छा एक्शन करेंगे, धमाल मचाएंगे। सुजीत सर है, अब्दुल सर है, आज तक सुजीत सर जो एक्शन मूवी नहीं किया उनका एक्शन मूवी बहुत हिट है। और बाकी अपना हीरो है प्रिंस जी, उससे भी मैं किया हूँ नरसिम्हा, वो भी आने वाला है। क्या शुभकामना देना चाहेंगे पूरी टीम को? टीम का अच्छा काम करेंगे सब लोग मिल के, अच्छा सिनेमा बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे क्रिक फाइटर में गाना आयल रहे आइटम सॉन्ग, यहाँ पे जानी सिंह डांस किए रहे, तो गाना रहे कि हर एक ससुरा से लाज बन भसुरा से डर बा, आ दिल बनई हर के यार सरिया जब जब पेनी, हर एक ससुरा से लाज बन भसुरा से डर बा, आ दिल बनई हर के यार सरिया जब जब पेनी, हर एक सुते खाती तर से भतार सरिया जब जब पेनी। ये हमारे फिल्म का बहुत सुपर डुपर हिट गाना था, मार्केट में बहुत इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला। कहेंगे आप बहुत सारी फिल्मों में आप दिखाई दे रहे हैं, इस फिल्म का मुहूर्त वर्ग क्या शुभकामनाएं देंगे और क्या किरदार रहेगा? पहले तो मैं अपने मीडिया कर्मी और भोजपुरी समाज को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने आज एक भोजपुरी सिनेमा जगत को खड़ा रखा है, और उन दर्शकों को मैं नमन करता हूं कि जो भोजपुरी सिनेमा को प्यार देते हैं। रही बात अभिनय की, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये मेरा शुरुआती दौर है, स्ट्रगल भरी ज़िंदगी है। आप लोगों को तो पता ही है सिनेमा लाइफ क्या होती है, कैसे चला जाता है। एक कदम बढ़ाए हैं एज ए आर्टिस्ट, बाकी तो दर्शकों का प्यार है, क्या कहें उसके बारे में? क्या कहेंगे आपके साथ? वैसे कहा जाए तो बीरू जी की तुलना किसी से करना ये स्वाभाविक हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी जब कलम चलती है तो भोजपुरी सिनेमा जगत में एक ऐसा लहर पैदा कर देते हैं। भाई हैं हमारे, लेखनी के दम से इन्होंने अपनी छवि बनाई, अपनी पहचान बनाई, और आज कई सारी फिल्में हिट दिया है इन्होंने, और ऐसे ऐसे स्टार के साथ दिया है कि कुछ बोल नहीं सकते। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इनके साथ काम कर, मेरा भी सौभाग्य है सब लोग करेंगे। डायरेक्टर साहब के बारे में क्या कहेंगे, हीरो के बारे में?
डायरेक्टर साहब के बारे में तो बोलने लायक ही मैं नहीं हूं, क्योंकि उनकी जितना तारीफ की जाए वो कम है। मैं ये कहूंगा कि मेरे हिसाब से भोजपुरी सिनेमा जगत में ऐसा टैलेंटेड डायरेक्टर बहुत ही कम देखने को मिलता है, जो एक फिल्म को परखते हैं, उनको म्यूजिक सेंस इतना अच्छा है, फिल्म आना कैसे चाहिए, फिल्म को कैसे लेके आना चाहिए, हीरो का गेटअप क्या होगा, सीन क्या होंगी, एक राइटर के साथ बैठ के 15 दिन डिस्कशन करना, फिल्म को किस बेस पे लेके जाना है, स्टोरी क्या है, हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए एक फिल्म को जब वो तैयार करते हैं तो वो वाकई में काबिल तारीफ है। धन्यवाद सर, उनसे बात करेंगे आज जो है उनका। सबसे पहले आप मीडिया भाई को मेरा प्रणाम नमस्कार, मैं जसवंत कुमार, और बड़ी ही खुशी हो रहा है कि मैं यहाँ आया हूँ। जो है ओमकारा फिल्म का शुरुआत है, मुहूर्त है, गाने से ये लोग शूट कर रहे हैं, और क्योंकि टाइटल देख रहे हैं कितना धमाका टाइटल, बहुत गर्म टाइटल है ओमकारा जिसका नाम है, जिसको प्रोड्यूस कर रही है जो है शिखा मिश्रा जी, वो भी अपने दोस्त हैं महेंद्र जी, जो है ये लोग बना रहे हैं फिल्म, और इसके डायरेक्टर जो हैं सुजीत कुमार सिंह, वो तो इस समय सबसे हाईलाइट जो है डायरेक्टर वही हैं, और अच्छी सी फिल्म उन्होंने बनाया है, मैंने भी उनके साथ वांटेड फिल्म किया था, तो बड़ी खुशी हो रही है। और इस ओमकारा जैसा टाइटल है, उस टाइटल के हिसाब से इसमें हमारा भाई प्रिंस सिंह राजपूत मतलब इसके हीरो हैं, जो कि अभी हाल फिलहाल उनका नरसिम्हा बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है, थोड़ा सा हमने कुछ देखा तो लगा कि नहीं, मतलब इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, जिस दिन वो फिल्म आएगी डेफिनेट बहुत ही सुपर हिट जाने वाली है, और इसके हीरो वही प्रिंस सिंह राजपूत जी हैं, और हीरोइन में जो है रूपा जी हैं, और बहुत सारे कलाकार हैं। जसवंत जी, एक आप बड़े प्रोड्यूसर हैं, तो क्या प्रिंस जी को आप ले सकते हैं हीरो में? अरे क्यों नहीं भाई, बिल्कुल ले सकता हूँ। एक अच्छे हीरो को किस प्रोड्यूसर की मतलब फिल्म की जरूरत नहीं होती। आज हमारा भाई मतलब उस लेवल पे है कि मैं लेके जो है आपको सिनेमा बनाऊँ प्रिंस सिंह राजपूत, अभी तो वैसे भी हम लोग का तो कुछ बहुत सारी कंपनियां इनको परमानेंट अपसेट कर चुकी है। आज अरे हम भी कर चुके हैं, हम भी बात तो ऑलरेडी हो चुकी है, मजाक मस्ती वाली बात नहीं जी। मेरी तरफ से दो दो दिग्गज प्रोड्यूसर बहुत कोई के योगेश मिश्रा जी और जसवंत कुमार सिंह जी, आप लोग काम मतलब कितना बड़ा पहचान है, आप क्या कहना चाहते हैं ओमकारा के बारे में? देखिए आपके सामने ओमकारा, चूँकि मतलब बहुत अच्छा टाइटल है, और एक होता है ना कि जवान से तुरंत आ जाए, मतलब वो टाइटल अंगारा टाइटल है, समझ इतना गर्म टाइटल है, अच्छा लगेगा। और उस पर जो है हमारा भाई प्रिंस सिंह राजपूत ही शूट कर रहे हैं ओमकारा पे, मतलब क्योंकि वैसा हीरो चाहिए वो यही दिख रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर, लुक को देखकर आप क्या कहेंगे? पहले लुक जो है बहुत डेंजर लग रहा है, एकदम डेंजर है, और प्रिंस भाई का जो लुक है, जो अभी हम लोग नरसिम्हा भी जब पीछे किए थे तो सुजीत भाई भी काबिल तारीफ है उनका टोटल, मैं भी जब पिछला क्रिएट फाइटर में ही किया था तो उसमें सुजीत भैया डायरेक्शन किए थे, तो बहुत ही अच्छा डायरेक्टर हैं, और प्रिंस भाई के बारे में तो कुछ कहने नहीं। क्या कहेंगे नेचर वाइज? नेचर भाई भी बहुत अच्छा कैमरे के सामने बड़ा लग रहे हैं, लेकिन नहीं नहीं कैमरे के बाद में भी पीछे में भी बहुत अच्छे नेक इंसान है, और एक्टिंग का तो कोई भी सवाल ही नहीं है, बहुत ही अच्छे इंसान है, और बोला उसमें जो ओमकारा है, चंद्रसीमा है, एक्शन से इनको जाना जाता है, पर्सनालिटी के हिसाब से भी बहुत अच्छे इंसान है। तो अभी आप लोग आए हैं तो कुछ दिमाग में कोई स्टोरी, कुछ कहानी लेके आए हैं? हाँ बिल्कुल, छोटे भाई हैं मेरे प्रिंस भाई, हम लोग नेक्स्ट तैयारी कर रहे हैं प्रिंस भाई को भी लेकर, और अच्छे लेवल पर हम लोग लेकर आना चाह रहे हैं प्रिंस भाई को, और पिछला भी इनका जो नरसिम्हा बना वो भी बहुत अच्छा, मैं देखा मुझे बहुत ये हुआ अच्छा लगा था। थैंक यू सर, आपको पूछना चाहेंगे क्या शुभकामनाएं देंगे, और अभी आपने जो भी गाना जो चल रहा है क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो मेहनत बहुत किया हूँ, और भैया मुझे सपोर्ट किए मुंबई में लोकेश भैया, और फिर लंच किए अपने फिल्म में ये प्रिंस भैया, नरसिम्हा से लंच हुआ हूँ, नरसिम्हा में 2 गाना दिया हूँ, फिर मेरा भाग्यशाली भाग में आया तो वो रिलीज हो गया है, लेकिन मैं अगर लंच किए हैं लिरिक्स, मतलब मैं लिरिक्स दिया हूँ तो नरसिम्हा में पहले 2 लिरिक्स दिया, उसके बाद से मेरा चालू हो गया, सब मैं लिख रहा हूँ। तो गाने आपके अभी इस समय कौन, मतलब अब कौन सा गाना आप लिख रहे हैं, कौन सा धड़कता वड़कता क्या कैसे लिख रहे हैं? अभी भाग के सारी भाग में आया कि सुना करे जा हमार प्यार के पहाड़ा, यही में मेहर के सूख मिली सारा,
गाना का बोला कि कौसे कमाई बो खौसे खियाई बो भौसे बुढ़ो दबाई बो भौसे घर में घुसल रहो छोड़ के न बाहर जाई बो। अभी कभी रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। सुप्रीम जी के लिए अभी क्या लिखने वाले हैं, उनको दमदार क्या क्या दमदार है वो मतलब नहीं बोला जा सकता, नहीं बोला जा सकता, लेकिन लिख रहे हैं, लिख रहे हैं तो लिख के लिखने के लिए यहाँ देखना जरूरी है क्या, वो यहाँ देखते रहे और फिर बाद में लिखते रहे? नहीं नहीं, मतलब वो होता है कि मतलब लिरिक्स जो होता है आजकल मतलब चोर बहुत हो गए हैं, कॉपी कर देते हैं, मतलब कोई टाइटल मिला नहीं और वो लिख कर गा दिए, ठीक है, अपना रहता है। तो ये क्या फिल्म को क्या शुभकामनाएं देंगे आज? मैं तो मानता हूँ भैया को, बहुत मानता हूँ, मुझे मानते हैं, ठीक है। अगर ऐसी फिल्मों के लिए कोई लुकिंग बढ़िया गुड लुकिंग है तो यही प्रिंस भैया है, वरना तो मुझे नहीं दिख पा रहा, ठीक है। ओमकारा के लिए या नरसिम्हा के लिए कोई अच्छा हीरो अच्छा दिखने वाला है तो मैं मानता हूँ भैया को, यही बोलूँगा। फिल्म को क्या शुभकामनाएं देंगे सर आज शुरू होने वाली? हमारी तरफ से प्रिंस जी को, सुजीत जी को और वीरू जी को, जो कि हमारे इंडस्ट्री के जय और वीरू हैं, सुजीत दादा और वीरू दादा, तो हम इनको जय और वीरू कहते हैं, जिन्होंने एक भोजपुरी सिनेमा जगत को एक नया आयाम दिया है, एक नई ऊंचाई दी है, जो पहले थी बीच में थोड़ा डल हुआ था, अभी एक अच्छा मुकाम दिया। मैं बहुत शुभकामना देता हूँ, ऐसी फिल्में बननी चाहिए हमारे भोजपुरी सिनेमा जगत में, और हर ऑडियंस यही मतलब इंतजार करती है कि अच्छी फिल्में आए, और हमारी ओमकारा ऐसी ही फिल्म है, धमाल मचाएगी 100%, आप दिल थाम के बैठे। प्रिंस जी के बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, और भाई मैं तो उनका फैन हूँ। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं रिंकू भारती। पहले तो अपन पूरा भोजपुरी दर्शक के सादर करते नहीं, और जितना भी हमारे यूपी बिहार के लोग सब लोग के सादर। आज चांदनी सिंह यहाँ पर आइटम सॉन्ग करते नहीं, और आज खूब धमाल हो खेला भाई जी। चलिए, हम लोग से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।